हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट के ऊपर शॉर्टकट ट्रिक देखने वाले। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसे आप लोग क्या करते हो ट्रेडिशनल मेथड में, आप लोग इसमें से क्या करते हो, या तो किसी एक रो या कॉलम में से क्या करते हो, आप लोग दो को जीरो कर लेते हो, एक को वन करके और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करते हो। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। और या फिर आप क्या करते हो, तीनों को लेके आप लोग रूल जो होता है जनरल मेथड ऑफ डिटरमिनेंट का, वो लगा के फाइंड आउट करते हो। लंबा प्रोसेस होता है वो भी। देखो, आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप लोग विद इन 10 सेकेंड्स में कर लोगे। लेकिन ये जो ट्रिक है, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है, ओके, क्योंकि हम लोग इसमें ऑप्शंस का हेल्प लेने वाले हैं, ओके। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि हमें डिटरमिनेंट दे रखा है। डिटरमिनेंट में हमें x, x प्लस वाई, x प्लस टू वाई, x प्लस टू वाई, x, x वाई, x प्लस वाई, x प्लस टू वाई, x है। इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, ये जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये x और y दो वेरिएबल है, किसी किसी में x, y, z होता है, किसी किसी में और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ऑप्शन में भी देखो x, y है, ओके, ऑप्शन में भी क्या है x, y जो यहाँ पे है, अगर वो भी ऑप्शन में है तो क्या करना है आपको, देख लो, याद रख लो हमेशा के लिए कि इस तरह के डिटरमिनेंट्स के लिए आप लोग क्या करो, जो वेरिएबल है दोनों वेरिएबल को x और y जो है इसे 1 सपोज कर लो। यही करना है, यहाँ पे a, b, c कुछ भी रहेगा और ऑप्शन में भी अगर वो रहे तो क्या करेंगे, उसे 1 सपोज करेंगे। ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, ये ट्रिक है, ओके। अब जब हम लोग इस x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 की वैल्यू इस डिटरमिनेंट में रखेंगे तो बताओ कितना सिंपल सा डिटरमिनेंट बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये 1 2, और ये हमारा जाएगा 2 3 1। आगे हमारा ये डिटरमिनेंट सिंपल सा, ये जब हम लोगों ने x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रखा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 1 को रखेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2। रूल लगा रहे हैं हम डिटरमिनेंट का। अब देखो, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 1, ये 3 इंटू 1 और 2 टू 4, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, ओके। अब ये 3 रखा हम लोगों ने, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, था 3 से 9 माइनस 2 7, ओके। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ से, 1 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 5 प्लस 2 और प्लस 21 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, 21 प्लस 2 23 माइनस 5 इक्वल टू 18। तो जब हम लोगों ने इस डिटरमिनेंट में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रख दिया तो हमारा वैल्यू आया है 18। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 को इन ऑप्शंस में रख के चेक कर लेंगे, जिसका वैल्यू 18 आ गया वही आंसर हो जाएगा। देखो, रखते हैं पहले में 5 इंटू x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, होता 10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, था 5 इंटू 1 इंटू 2 10 आ गया। ऑप्शन 1 गलत है हमारा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। अब देखो दूसरे में क्या है, 3 वाई स्क्वायर यानी कि 3 इंटू वाई का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 ये भी हमारा गलत है, 6 नहीं है हमारा आंसर। देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है, 9 वाई स्क्वायर के जहाँ पे 1 रखा और हम लोगों ने यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 किया तो क्या आ गया, 9 इंटू 2 18। जी हाँ, बिल्कुल यही तो हमारा आंसर था, 18 ही तो आया था। ऑप्शन नंबर सी में जब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई इक्वल टू 1 रखा तो भी 18 आया, और इस डिटरमिनेंट में 1 रखा था तब भी आया। और डी में अगर रखें तो 7 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 ये हमारा गलत है, 7 टू जो 14। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको इस तरह के डिटरमिनेंट्स मिले जहाँ पे दो तीन वेरिएबल दिए हैं, ऑप्शन में भी अगर वो वेरिएबल दे रखा है उसे 1 सपोज करना है आपको। सिंपल सी बात है, 1 सपोज कर लो, सिंपल सी बात है ना, 1 सपोज किया आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो यार, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी है और टू ए बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बी दे रखा है और ऑप्शन में भी हमें कुछ इसी तरीके से ए बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या कर लेंगे, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 ले लेते हैं। आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स दिखे जहाँ पे कुछ इस तरह के भी डिटरमिनेंट्स देखते होंगे, जहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहता है या कुछ इस तरीके से दिखे और ऑप्शन में भी कुछ इसी तरीके से आंसर है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले उस एक्स वाई जेड को 1 सपोज कर लो, 1 लेना है आपको। याद रखो ये ट्रिक बहुत ही आसान से ट्रिक है और इसे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है ना। देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे पुट करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 क्योंकि हम लोगों ने ए वी की वैल्यू रखा है बस यहाँ पे, 1 1 2 2 1 1 ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, 1 लिया, 1 को लेने पे क्या हो गया ये हमारा, अब इसे करते हैं और इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, फिर माइनस 2 लिया यहाँ से माइनस होगा यहाँ पे
अब यहाँ से 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 3, यहाँ पे 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब यहाँ पे फिर प्लस 1 इन 2 क्या हो जाएगा 1 के लिए, यहाँ पे 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 आ गया। तो ये कितना आ गया बताओ, माइनस 1 प्लस 6 और फिर यहाँ पे माइनस 1, कितना आ गया प्लस का हमारा 4 आ गया। देखो हमारा जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू 1 रखा तो हमारा आंसर आया है 4। अब हम लोग इस इन ऑप्शंस में भी ए और बी की वैल्यू रखते हैं 1, तो देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब 1 0, ये नहीं, हमें क्या लाना है 4 लाना है। इसमें क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब 1 2, ये भी नहीं, हमें 4 लाना है। सी देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब का होल स्क्वायर, ये भी 0 ही आ जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना आ गया हमारा बताओ, ये इसका स्क्वायर है तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब ठीक है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यही तो है 4 लाना था। जब हम लोगों ने क्वेश्चन में ए बी के जगह पे 1 रखा तब भी हमारा ये आया था, और जब हम लोगों ने ऑप्शन में इसमें रखा तो भी 4 आया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके अब देखो यार हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसमें क्या है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं ए बी सी 3, और इसमें देखो ऑप्शन में भी क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ यानी कि ए बी सी के फॉर्म में। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1 ले लेना। ओके हर क्वेश्चन में जहाँ पे जो भी दिया है ऑप्शन में भी अगर वो दिया है तो ए बी सी ले लो, जो भी दिया है मतलब उसे 1 ले लो, क्या लेना है उसे 1 लेना है, 1 ले लिया। अब देखो ये क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट हमारा, माइनस 1 ए बी यानी कि 1 इंटू 1 1 ए सी 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ओके आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ओके करो माइनस 1 को लिया हम लोगों ने, फिर माइनस माइनस प्लस 1, ये देखो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस 1, ओके फिर यहाँ पे इस 1 को माइनस के साथ लेंगे तो माइनस 1 इंटू इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1, ओके फिर इसके लिए ले रहे हैं अब हम लोग तो प्लस का 1 इंटू, अब इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1, ओके ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 0 इंटू माइनस 1 0। अब देखो ये माइनस का 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 2, ओके फिर यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे 2 है तो 2 कितना आ गया 4 आ गया हमारा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब हम लोगों ने यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू 1 रखा। बारी बारी से ऑप्शन में रखो 1, यहाँ पे देखो जब हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आ गया यहाँ से 1 आया, लेकिन यहाँ पे लाना कितना है 4, तो ऑप्शन ए गलत है। सेकंड इसी तरीके से 2 इंटू 1 इंटू 1 2 आ जाएगा, गलत है। यहाँ पे थर्ड देखो 4 इंटू 1 इंटू 1 4 आ गया, जी हाँ बिल्कुल यही तो है, यही ना है। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स जहाँ पे भी दिखेंगे ना, ये भी देख लो ए बी सी है तो ए बी सी मतलब 1 ही आएगा, तो ये भी गलत है। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिखे बिना किसी दिमाग लगाए आप लोग क्या कर लो, जितने भी चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट में अगर ऑप्शन में वो सब है तो ए बी सी जैसे यहाँ पे था जो भी दिया है उसे 1 ले लेना है, 1 लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसके बाद वो जो वैल्यू हम लोगों ने जिसके लिए थे उसे ऑप्शन में डाल के चेक कर लो, यही है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इस ट्रिक के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया, अच्छे तरीके से लगाया, और आगे आने वाले वीडियोज़ भी होगा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, और मैं अपने चैनल पे मोर देन 30 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, हर चैप्टर्स के ऊपर है, चाहे वो 11th क्लास के हो या 12th क्लास के, हर चैप्टर्स के ऊपर मैं शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ अपलोड कर, आप लोग जाके चेक कर लो यार, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे अभी तक, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आने वाले वीडियोस पे कौन से शॉर्ट ट्रिक वीडियोस आप लोगों को चाहिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।